भारत की भूमि पे के ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने शंकर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करा। राजा जनक जी शिव जी का रोज अभिषेक करते थे, राजा दशरथ जी शंकर भगवान का रोज अभिषेक करते थे। आप खुद रामचरितमानस को अपने घर पर जाकर पढ़ना। जब केकई ने वर मांगा 14 वर्ष के लिए राम वन जाने लगे, तब दशरथ जी की आंख में आंसू थे, तब उन्होंने भगवान शंकर को याद किया था कि शंभू आप पधारो, मेरे दुख का निवारण करिए। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव का अभिषेक जो करता है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप रोज दूध दही, अपने घर से अगर एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो भी अभिषेक से कम नहीं है। प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है, वो प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है। शिव के मंदिर तक जाना, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचना, भगवान शिव के द्वार तक जाना, भगवान शंकर की चौखट तक पहुंचना। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो, एक ध्यान लगाइए, मान लो अगर आप शिव के मंदिर तक लोटा लेकर जल लेकर नहीं भी पहुंचे, लोटा भर जल लेकर आप शंकर के मंदिर नहीं भी पहुंचे, मान लो शिव के मंदिर आप लोटा भर के जल लेकर नहीं पहुंचे, केवल शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर उसको नमन करते हुए, नमन भी नहीं करा, शीश झुका लिया, शीश भी नहीं झुकाया, शिखर को देख लिया, शिखर भी ना देखा, उसके दरवाजे से मुस्कुराकर चले गए, तो वो भी अभिषेक ही है, वो भी अभिषेक। परसों की कथा में अपने श्रवण करा था, एक मछली आई, रावण जिस शिवलिंग की पूजन करता है, मछली पताल में उस शिवलिंग की फेरी लगाती रहती। मछली शिवलिंग की फेरी कर रही है, उसके आसपास घूमती रहती। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि शंकर भगवान ने उस मछली का पेट भरने के लिए, उदर तृप्ति के लिए उसने आराधना करी, तो उसके घर में जो संतान हो वो बड़ी बलवान हो और उसको कुछ राष्ट्र कर दिया। और जितने बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न नहीं करते, उससे ज्यादा प्रश्न अपने दादाजी से करते हैं। मोरध्वज के दादाजी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए कई लोग हनुमान जी को दद्दा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कई लोग हनुमान जी को कहते हैं भैया दादा की कृपा है, दद्दा की कृपा है, भगवान की कृपा। एक दिन मोरध्वज ने, हनुमान जी के पोते ने हनुमान जी से प्रश्न कर लिया था, मकरध्वज के बेटे ने। मोरध्वज को मालूम पड़ा कि मेरे दादाजी हनुमान जी हैं। मोरध्वज ने मकरध्वज से कहा, पिताजी मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मोरध्वज पूछ कर अपने पिताजी से दादाजी को ढूंढने के लिए निकल गया। अब मोरध्वज को यह नहीं मालूम था कि उसके दादा भगवान राम की भक्ति में कितने लीन रहते हैं, भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। मोरध्वज अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते 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 मोरध्वज थक गया। हनुमान जी नहीं मिले, दादाजी नहीं मिले। तब आखिरी में मोरध्वज अपने दादा को ढूंढते 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 जब थक गया, तब अंजना माता के पास में पहुंच गया। और मेरी जीजियों, आज भी दूल्हा दुल्हन के सिर पे मोड़ बांधा जाता है। आपके इधर बांधते कि नहीं बांधते वो हमको नहीं मालूम, बांधते हैं इधर पर,
वो दूल्हे के सिर पर भी बांधते हैं और दुल्हन के सिर पर भी बांधते हैं। ये मोड़ जो दूल्हा दुल्हन के सिर पर बांधा जाता है, इस मोड़ का मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब शादी होने के बाद एक अलग से मोड़ आने वाला है, और उस मोड़ के आने पर तुम संभल कर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। हमारे यहां मोड़ का विसर्जन भी बड़े अच्छे से करा जाता है। किसी कुएं में या खड्डे में मोड़ को नहीं डाला जाता, पवित्र नदी के अंदर मोड़ का विसर्जन किया जाता है। हमको तो लगता है, यहां के लोग तो मुझे लगता है कि आपके नजदीक की जो पवित्र नदी हो आप लोग उसी में विसर्जन करते हैं, जैसे चंबल माता में ले जाकर विसर्जन कर देते होंगे। करते हैं आप लोग, जाते हो मोड़ विसर्जन करने के लिए? तो दूल्हा दुल्हन के सिर पर मोड़ बांधा जाता है जो हमारी एक जिंदगी में भी अविरलता का मोड़ उत्पन्न कर देता है, सुख अनुभव करा देता है। और मोड़ का काम क्या है कि वो विजेता भी देता है। अब मकर ध्वज का पुत्र मोर ध्वज ने हनुमान जी को ढूंढना चाहा, नहीं मिले। ढूंढते 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 मोर ध्वज आखिरी में माता अंजना के पास पहुंच गए। पर दादी थी अंजना माता, पर दादी। पूछा, दादी मां? ए दादी मां, एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। मां, ए दादी मां। दादी मां, तुरंत अंजना माता ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? मुझे श्री हनुमान जी महाराज, मेरे दादाजी का दर्शन करना है। जैसे ही मोर ध्वज के मुंह से सुना कि दादाजी का दर्शन करना है, तू दादा कैसे कह सकता है? कहा, मैं मकर ध्वज का बेटा हूं और मकर ध्वज के पिता हनुमान जी हैं। अंजना माता ने कहा, तो फिर तेरे पिताजी की माता मैं हूं। क्या चाहता है बोल? मुझे मेरे दादाजी का दर्शन करना है। शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की प्रत्येक दादी अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। ये अंजना माता ने अपने पोते को संस्कार दिए थे, पर पोते को संस्कार दिए थे, तो आज भी दादियां अपने अपने पोते को संस्कार देती। एक मां भले बच्चे को कुछ भी सिखा दे, एक पिता भले अपने बच्चे को कुछ भी सिखा दे, पर जो घर की बुजुर्ग दादी होती है, जो घर की बूढ़ी मां होती है, वो बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। और निवेदन है आपसे, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को प्रॉपर्टी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चों को संस्कार जरूर दिलाना, जिससे तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सके, तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके, तुम्हारी जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न हो सके, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके। तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके, तुम्हारे जीवन में एक आनंद का प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो सके। क्यों? ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां पीछे की एलईडियां चालू करिए। ये धन, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सब तुम्हारा छूट जाना है। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन हो। शंभो शरणे
मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न तुम्हारी धन तुम्हारी दौलत तुम्हारी संपदा तुम्हारी सत्ता तुम्हारा वैभव ये तुम्हारे काम आए ना आए पर इतना जरूर ध्यान रखना अपने बच्चों में जो तुम संस्कार दोगे वो संस्कार तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे काम आएंगे ये निश्चित है आखिरी तक चलने वाला वो संस्कार अपने बच्चों को दो आखिरी तक चलने वाला अंत जो जिंदगी की सार्थक तक सिद्ध कर दे संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मानव भीतर जो परमात्मा समाहित है भीतर जो शिव तत्व आपके समाहित है उससे वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ जब ज्यादा बीमारी हो जाती है वेंटिलेटर पर पटक देते हैं और वेंटिलेटर पर पटकने के बाद फिर डॉक्टर एक बात कह देता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बोलो री जी सही बात है ना डॉक्टर क्या कहता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरी कोशिश हम कर रहे हैं सारी कोशिश हम कर रहे हैं पूरी कोशिश हम कर रहे हैं पर अब जो है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है अब किसके हाथ में है अब उसके हाथ में मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है वो डॉक्टर जो बैठा है वो अलग से इलाज कर देता है और कैसे इलाज करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ पाता वो निहाल कर देता एक और बैठा उसको पहचानने के नेत्र चाहिए आपको उसको जानने के नेत्र चाहिए आपको और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ खड़ा हूँ बाहें पसार अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही हो उठा लो जिस दिन हम जान गए शिव तत्व को पहचान गए देखो आज के जमाने में आदमी कायदे के व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखता जो तुमको कायदा बताए जो तुमको सही ढंग बताए जो तुम्हें सही तरह से जीना सिखाए जो तुम्हें सही मार्ग बताए जो तुम्हें सत मार्ग की ओर लेकर जाए आज के जमाने के व्यक्ति को वो अच्छा नहीं लगता आज के जमाने का व्यक्ति कायदे के व्यक्ति को साथ नहीं रखता फायदे के व्यक्ति को साथ रखता कौन से व्यक्ति को साथ रखता है जम जम के बोलो जरा फायदे वाला व्यक्ति किस व्यक्ति से हमको कितना फायदा मिल रहा है इसने मेरे लिए क्या करा मतलब मेरे लिए फायदेमंद है तो इसको रख लो ये मेरा काम संभाल रहा है तो इसको रख लो इसने ये काम करा तो इसको रख लो इसने ये किया तो इसको रख लो कायदे का व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता फायदे का व्यक्ति सबको पसंद आता
और वो फायदे का व्यक्ति एक दिन ऐसी चोट करके जाता है कि दूसरी बार तुम उसका मुंडा नहीं देखते। कोई लोग बात करते हुए जा रहे थे, कायरी ददरुआ दाम में इतनी भीड़ काय आ गई, कछु मिल रहा है का? तो एक छोटा सा लड़का पास में से निकल कर जा रहा था, वो कह रहा था यहां कुछ नहीं मिल रहा, तुम ये मत सोचो कि यहाँ कोई फायदे की चीज मिलेगी। उस बच्चे ने कहा यहाँ केवल एक कायदे की चीज मिलेगी कि तुम्हें जीने का तरीका आ जाए। तुम्हें जीने का तरीका, हम भिखारी को रोटी देते हैं, आप लोग देते हो कि नहीं देते हो? जम के तो बोलो, देते हो? ऐसा कोई, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लाखों की संख्या में इस प्रांगण के अंदर ददरुआ धाम में कथा सुन रहे हैं, आप सब भिखारी को रोटी देते हो, किसी को पैसा देते हो, किसी को रोटी देते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, भिखारी को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भिखारी को रोटी दो मना नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है भिखारी को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, भिखारी को भोजन दो मना नहीं है, पर भिखारी को रोटी खिलाने की जगह रोटी खिलाओ मना नहीं है, पर उसको रोटी कमाने का तरीका भी दो, उसको कुछ अच्छा कहने का तरीका दो। वो आया तुम्हारे दरवाजे पर, तुमने रोटी निकाली और दे दिया, फिर आया मांगने, तुमने फिर रोटी निकाली दे दिया, उसको कहो शरीर अच्छा है, परिवार अच्छा है, चल मैं किसी दुकान पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी पेट्रोल पंप पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी आश्रम में तू झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मकान साफ करना, आश्रम के जितने कमरे उसमें सफाई करना, चल मैं तुझे काम में लगा देता हूँ। तू रोटी मांग रहा है, हर व्यक्ति आज के भिखारी को रोटी भी देना पसंद करता है, पैसा भी देना पसंद करता है, और भिखारी भी ऐसा हो गया कि वो रोटी और पैसा लेना पसंद करता है, पर कायदे से जिंदगी को जीना पसंद नहीं करता। उसको फायदा दिखता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा और मेरी जिंदगी सार्थक। ना ना ना, फायदे में तुम अगर फायदा देख कर चलोगे तो एक दिन घाटा खा जाओगे। ये बड़े बड़े घाटे लोगों को लगते काहे के लिए, नई नई कंपनी आती है, कंपनी आकर कहती है 50,000 रुपये जमा करो, 2 लाख रुपये लेके जाओ, फायदा दिखाते हैं और लेके भाग जाते हैं। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी होगी जिनने, कई बिचारियों ने कहीं कहीं कोई ना कोई कंपनी में 100-150-150 रुपये इकट्ठे करके, कजन कौन कौन सी कंपनी, हमें तो नाम भी नहीं मालूम दादा, वो इकट्ठी कर करके रख लेते हैं, तुम लालच में दे देती हो, इतना ब्याज मिल रहा है, दुगना हो रहा है, चौगुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अगर दुगना होता तो वो तुम्हें क्यों देता, खुद ही नहीं दुगना कर लेता, पर तुम्हारे पैसे लेकर वो तुम्हें दुगना दुगना करने का 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना तुम्हें सहयोग करता है। उसके बाद में जब तुमने सब दूर प्रचार कर दिया, वो धन लेकर चले गया, वो पैसा लेकर चले गया, वो संपदा लेकर चले गया, फायदा देखा ना तुमने, कायदे का आदमी नहीं ढूंढा, तुमने फायदा देखा कि दुगना हो रहा। और एक व्यक्ति था तुम्हारे पास में, वो कह रहा था देखो जी जी मेहनत करो, थोड़ी सिलाई मशीन ले लो, अपना खुद का शोरूम डाल लो, तुम्हारा काम कर लो, तुम्हारा ये काम कर लो, मेहंदी का काम अच्छा है तो मेहंदी का काम कर लो, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो काम कर लो, तुम चोली अच्छी सिलो तो चोली का काम सीख लो, तुम अगर लहंगा अच्छा सिलो तो लहंगे का काम कर लो, चप्पल अच्छी बना सकते हो तो चप्पल का काम सीख लो, कढ़ाई अच्छी आती हो तो कढ़ाई का काम सीख लो। एक व्यक्ति कह रहा है अपने पैसे को खुद पर खर्च करो, खुद इतनी मेहनत करो कि 4 चांद लग जाए, तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान तुम्हारे पास में रहना चाहिए, पर
तुमने फायदा देखा, यहाँ से फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, और फायदे के चक्कर में मालूम पड़े सब नष्ट हो गया। इसलिए शिव पुराण कहती है कायदे का व्यक्ति ढूंढना, फायदे का व्यक्ति मत ढूंढना। कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। यदि कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। कायदे का व्यक्ति ढूंढिए, फायदे का नहीं। हम देखते हैं कि हमारी फायदा कहां से हो सकता है, कहां से 500 रुपए आ सकते हैं, कहां से 1000 रुपए आ सकते हैं, कहां से 10,000 आ सकता है, कहां से 25,000 आ सकता है। हम फायदा ना देखें, हम कायदा देखें कि हमारी भक्ति में वो बल बढ़ जाए, हमारे भजन में वो बल बढ़ जाए। जैसे मीरा करमा नरसिंह मेहता नामदेव ध्रुव प्रहलाद, इनकी भक्ति में जो बल बढ़ गया था, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ना चाहिए। ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ अब ढूंढो। शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर ने मृत्यु मांगी भगवान से, मृत्यु। और तारकासुर ने भगवान से मृत्यु मांगी तो मांगा ये कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। थोड़ा इधर घुमा दे उसको, मृत्यु मांगी। और तारकासुर ने मृत्यु मांगी तो मांगी बस शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। उन्होंने और मृत्यु मांगने का केवल एक साधन जो लिया वो भगवान शंकर के पुत्र। क्यों शंकर जी के पुत्र द्वारा? क्यों? असुर था, राक्षस था, अगर मौत मांगना ही थी तो कुछ और मांग लेता। शंकर जी के पुत्र को इसलिए मांग रहा है क्योंकि शंकर जी को वो स्नेह करता है, शिव की भक्ति में डूबता है। सरल है शंकर, अड़भंगे हैं शंकर, सहज हैं शंकर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सरल। मांगा, और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे शंकर भगवान का पुत्र मारे, मुझे शिव का पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था भगवान शंकर की शादी हो जाए, शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे ना, विवाह हो जाए उनके और शादी होगी, बच्चा होगा। वो चाहता है मेरे मरने से पहले मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव का जो परिवार है वो पूर्ण बैठे, पूर्ण। अगर आज शंकर भगवान के शिवालय में शिव मंदिर के अंदर पार्वती जी बैठी हुई दिखती हैं, शिवालय के अंदर कार्तिकेय बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर गणेश जी बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर शंकर भगवान बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर नंदी बैठा हुआ दिखता है, तो ये विश्वास मानकर चलना इनको बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तारकासुर था। अगर वो नहीं मांगता तो कार्तिकेय नहीं आते, वो नहीं मांगता तो गणेश जी नहीं आते, वो नहीं मांगता तो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह नहीं होता। उसने मांगा इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ, उन्होंने मांगा इसलिए विवाह संपन्न हुआ, इसलिए विवाह संपन्न, उन्होंने मांगा इसलिए वो मिला। वो मांगते नहीं तो ये कार्तिकेय आता भी नहीं, ये गणेश जी आते भी नहीं। तारकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर के तीन बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने तीन पुरियां बसा ली थी और उन तीन पुरियों के राजा बनकर बैठ गए थे। किसी देवता से उनकी पुरियां भस्म नहीं हुई। पुरी का मतलब होता है नगर, शहर, प्रदेश। जैसे हम कहते हैं ना जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ऐसी पुरियां, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, ऐसी पूरे पूरा पूरा क्षेत्र, अपना नगर, अपना शहर बसा लिया। अब जब
तारकासुर के तीनों बेटों ने अपनी अपनी पुरियों का निर्माण कर लिया। एक बेटे ने मांगा मुझे सोने की पुरी बनाओ, सोने का नगर। एक ने मांगा मुझे चांदी का नगर बसाओ। तीसरे ने कहा मुझे लोहे का नगर बसाओ। तीन नगर बस गए, बड़े बड़े नगर। उपद्रव चालू कर दिया। जब व्यक्ति बहुत संपदावान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अहम आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार। और इस ददरौआ धाम में विराजमान होने वाले चाहे महाराज जी के गुरु जी हों, जिनका ये वर्ष चल रहा है, जिसका ये आयोजन चल रहा है, सीएपीए उत्सव चल रहा है, चाहे महाराज जी हों, चाहे उनके दादा गुरु हों, चाहे उनके गुरु हों, जिन्होंने भजन किया, भक्ति करी, उसका फल है, उसका फल। हमने पहले दिन की कथा जब चालू करी थी तो हमने श्री अखिलेश तिवारी जी जो यहाँ के यजमान बने हैं गुरु जी के कृपा पात्र, तो हमने उनसे कहा था शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए लोग महाराज जी 2027 तक लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये तो महाराज जी की कृपा थी जो अखिलेश तिवारी जी आपको ये यजमान पद मिला। ये गुरु की कृपा हुई तो मिल गया, गुरु की कृपा। कहीं प्रभु कृपा करता है तो होता है। महाराज 2027-2028 तक के लाइन लगी हुई है शिव महापुराण की, केवल कथा का रस तत्व ग्रहण करने के, केवल शिव की भक्ति और कुछ भी नहीं। क्यों लाइन लगी है? ये 2026-2027 तक कौन कौन लाइन लगाकर खड़ा हुआ है? कोई दूसरे लाइन नहीं लगाते आप लोग जो शिव पुराण की कथा में कथा सुनने आते हो, आखिरी दिन बाबा से कहकर जाते हो बाबा इतनी झोली भरना कि जिंदगी में मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा करवाऊं, वो लाइन लगाऊं। यहां जितने कथा सुनने के लिए आए और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कथा के विराम के दिन पंडाल में बैठकर तुम जो कहकर जाते हो बाबा वो देता है, उसमें कमी नहीं रखता, वो देता है। आप दिल से कहकर जाते हो, इसलिए तो 2027 तक कथा की लाइन लगी हुई है। कहकर अब लोगों ने 2027 की तो कह जब तक बाबा मेरे को देगा ये मेरा विश्वास करता है, कथा दीजिए आप मुझे, मेरा बाबा मुझे 2026 में देगा, मुझे 2027 में देगा, ये विश्वास दृढ़ी हुआ है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आप जितना उसका भजन करोगे वो आपके सामने, वो आपके सम्मुख में। कई लोगों को गलत फहमी हो जाती है, कई बार प्रशासन को भी ऐसा हो जाता है कि आखिरी दिन की कथा सुबह 9 बजे है, 8 बजे है, इतनी जल्दी कौन आएगा, कौन पहुंचेगा। पर जब भक्तों का आना चालू होता है तो प्रशासन भी कहता है कि इतनी सुबह से इतने सारे कैसे आ गए, उनको भी लगता है कहाँ से आए। हम कहते हैं ये कोई साधारण मनुष्य कथा सुनने के लिए कभी शिव पुराण में नहीं जाता। माली अपनी टोकनी में वही फूल रखता है जो माली को अच्छा लगता है, हम बेलपत्र वही
तोड़ कर रखते हैं जो अच्छी होती है, बोलो सही है कि गलत है। जब हम अपनी झोली में बेलपत्र अच्छी रखते हैं, फूल अच्छा रखते हैं, तो मेरे महादेव भी अपनी कथा में अच्छे अच्छे फूल लेकर आता है, कोई साधारण नहीं है। तुम सब श्रेष्ठ फूल हो जो मेरे शिव ने अपने करीब में रखाया, मेरे शंकर अपने पास रखे। तारकासुर के तीन बेटों ने तीन पुरियां बनाई, तीन पुरी का राज्य स्थापित करा, धन आ गया, वैभव आ गया, सत्ता आ गई। तो बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारी सत्ता आने पर क्रोध करा, अपशब्द कहा, ताने दिए, लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। बहुत अपशब्द, बहुत ताने, बहुत आड़ा तड़ाक। मैं इस भिंड जिले की ददरुआ क्षेत्र में जितनी पुलिस बल लगी है और जितने यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, टीआई, कांस्टेबल, जितने भी लगे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने ये 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली, 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली कि किसी व्यक्ति से कोई अपशब्द नहीं, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं, कोई ताना नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई फालतू बात। और अपने दिल पर हाथ रखकर देखना आप, और कथाओं का स्मरण करना, उस कथा में आपको टेंशन रह सकता है, बहुत चिंता रह सकती है, दिन भर खड़े रहना पड़ सकता हो, पर शंकर की कथा में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलमस्त होकर जहां जगह मिले आप भी कथा सुन सकते, आप भी कथा सुन। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहते हैं कि आपको खड़े रहने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप तो कथा का लाभ ले लो, ड्यूटी हो रही है अपनी जगह पर, सब चलता है, पर भगवान की यह कथा बार बार नहीं मिली। और बहुत अच्छे से संभाला आपने शिव के रूप में। हमने कई बार कहा है प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस कर्मी हो, वो भी एक शंकर का स्वरूप है, और डॉक्टर है वो भी शंकर का एक स्वरूप है, जो कहीं ना कहीं आकर संभाल लेता है, वो संभाल अच्छे से कार्य संभाल। जब से आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके दिन निकालना, पहले जब जल चढ़ाते नहीं थे, जब मंदिर नहीं जाते थे, शंकर के मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे, वो दिन निकाल कर देखना कितने टेंशन के दिन निकलते थे। रोज कुछ ना कुछ विवाद, क्लेश, अपशब्द, कहीं पैसे की दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। जब से महादेव को आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद के दिन निकाल कर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जीवन क्या है, आपका जीवन क्या है, आपको मालूम पड़ेगा कि शिव को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर के मंदिर जाने का लाभ क्या है, शिव की स्तुति करने का लाभ क्या है, शंकर का गुणगान करने का लाभ क्या है, शंकर की भक्ति में डूबने का लाभ क्या है, शंकर की शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करने का लाभ क्या है, उसका एक तत्व आपके भीतर समाहित होगा। महाराज, तारकासुर के तीनों पुत्र अहम में डूब गए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में समाहित हो गए। अहंकार से परे हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो अहंकार, जितना अहम छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो। अहम क्या है? कौशल्या मैया के पास में राम जी महाराज आकर बैठे, माता कौशल्या ने गले से राम जी को लगाया। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तूने रावण को मार दिया। माता कौशल्या राम जी से कह रही है, मेरे बेटे राम ने रावण को मार दिया, लंकेश को मार दिया। राम जी कहते हैं, मैंने रावण को नहीं मारा, मां
मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या माता ने कहा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। अभी क्या कर रहे थे राम जी? मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी ने पूछा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर रावण को मारा किसने? तो राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। माँ पूछती है, अभी तो तू कह रहा था कि मैंने रावण को नहीं मारा, अब तू कह रहा है कि मैंने रावण को मारा, ये कैसी बात है राम? राम कहते हैं, माँ, राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं मतलब अहंकार, अहंकार ने रावण को मार दिया। कभी मत कहो कि मैंने कुछ करा, ना ना ना, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ। शिव महापुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तुमरुका जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देव अधिदेव महादेव ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बनाऊं। शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान थे, ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुन रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बना हूं, तुम कथा कहना प्रारंभ करो। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, शिव महापुराण की कथा मैं बांध सकूं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है, कोई दूसरी पुराण होती तो मैं बांध सकता था, पर शिव पुराण की कथा मैं कभी नहीं बांध सकता, शिव महापुराण की कथा कौन बांचेगा? शंकर भगवान से तुमरुका जी ने कहा, कथा आपको बांचना पड़ेगी। शंकर जी कहने लगे, फिर सुनेगा कौन? तुमरुका जी कहते, कथा आपको सुनना पड़ेगी, शिव महापुराण की कथा करवाएगा कौन? क्योंकि चंचुला देवी तो वैधव्य है, ये कैसे करवा सकती है? तो कथा करवाओगे भी आप, सुनोगे भी आप, और बांचोगे भी आप, कोई दूसरा नहीं बांच सकता। शिव महापुराण की कथा बांचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है, और कराने वाला भी शंकर है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। आप ये छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हो? कई माताएं बड़े गुस्से में कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं ना, इसलिए सब काम हो रहा है। जिस दिन मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना, बहुत अकड़ में कहती है, वो तो मैं हूं ना, इसलिए दिवाली पे गुजिया पपड़िया बन रहा है। जिस दिन मैं मर गई ना, उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी तुमसे ऐसा के उससे के आधे घंटे मरी जा, आधा घंटा मर। एक सेठ जी थे, वो हमेशा कहते थे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है, मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी आ गए, उन गुरुजी ने सेठ जी से कहा, काय को मेरा मेरा करते रहते हो, मेरा परिवार मेरा परिवार, मेरा घर मेरा परिवार, मेरा दुकान मेरी सत्ता मेरा वैभव, मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुमको इतना चाहते हैं? हाँ, मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कर ले, ये एक काम कर कि तू आधे घंटे के लिए पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं सबसे कह दूंगा तू मर गया, मैं भी तो देखूं कितने मर रहे तेरे साथ। इतने में सेठ जी बोले, गुरुजी क्यों फालतू की बात करते हो, जरा सा मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी रोने बैठ जाती है, छाती पीटने बैठ जाती है, उसकी तो बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। गुरुजी बोले, ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा, मर तो थोड़ा तो गिर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा, मेरा बेटा एक मिनट मुझे देखे बिना नहीं रह सकता, वो मर जाएगा, मेरा पोता पोती मर जाएगा। गुरुजी बोले, मैं सब देख लूंगा, तू तो मर, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले उसकी गारंटी मेरी स्टाम्प पे लिखवा ले ले, तू मर। उसने कहा, अगर कुछ हुआ? गुरुजी बोले, मर तो बस पानी पीते पीते लुढ़क जा। कितनी देर तक मरूं? बस सांस रोक लेना, मैं डॉक्टर से खिलवा दूंगा, ये मर गया। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक उठना मत, आओ देख लेना गुरुजी, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो तुम जानना। गुरुजी बोले, मेरी गारंटी, तुम मर। वो पानी पीता पीता लुढ़क गया।
सांस रोक ली। डॉक्टर को उन्होंने 100-500 रुपए दिए और कहा बोल दो ये मर गया। डॉक्टर साहब भी वहीं बिठा लिया और कह दो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। पत्नी खूब धार धार के रोने लगी। पत्नी खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन में रोई। रात को मक्का की रोटी खाई थी, सुबह तो आवाज तक नहीं आई, खूब डिजाइन में रो रही। गुरुजी ने पूछा सेठानी क्या हुआ। सेठानी बोले मेरा पति चले गया, बताकर भी नहीं गया, मेरे से बात भी नहीं करी। गुरुजी बोले मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, ले। इतने में सेठानी बोली इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी उठने वाले थे, कल तो कह रही थी तुम जवान दिखते हो, क्या कह उम्र हो गई। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है, पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप के जाने का गम नहीं है, लेनदारी का पहले हो गया, लेन देन क्या होगा। पिताजी चले गए बताया नहीं। इतने में गुरु जी ने बोला ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तेरा बाप जिंदा हो जाएगा। इतने में रोते रोते बोले पापा तो कह रहे थे अब दुकान तुझे ही संभालना। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है, मेरे दादा चले गए तो तू क्यों रो रहा है, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी कौन लाए, तो तू क्यों रो रहा है, ले बूटी तू खा, तू मर जाएगा तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा बच्चा गुरुजी के कंधे पर हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। और गुरुजी को खवा रहा है। अरे वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका है, संसार में कोई किसी का नहीं, हमको लगता है ये मेरे। अरे भगवान राम से कौशल्या माता ने कहा तूने रावण को मारा, राम जी कहते मैंने नहीं मारा रावण को, किसने, मैं लंके। ऐसे कई लोग होते हैं तुरंत अपना परिचय दे देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है। किसी सतगुरु के पास जाना, जिसको धन की जरूरत है उसके पास जाओ तो अपनी प्रतिष्ठा बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी सत्ता बताओ, अपनी कुर्सी बताओ, पर जिसको तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, सत्ता की जरूरत नहीं, उसके पास जाकर अगर मिलना तो कभी मत कहना कि तुम्हारे पास में कौन सी सत्ता है, कौन सा वैभव है। वहां जाकर कहना कि बस कथा सुनने आया हूं, बहुत सुना था महादेव की कथा का लाभ, इसलिए उसके चरणों में बैठकर श्रवण करने आया हूं। मेरी कौन कुर्सी, कौन पद, कौन सत्ता, हमें मतलब नहीं। तुम कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए बैठो, भोलेनाथ जी की दृष्टि तुम पर पड़ जाए उस कथा को सुनते सुनते, तो जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी राज सिंहासन पर बिठा सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, ओगड़दानी का संवाद कर रहा है। तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष विनुमाली कमलाक्ष की ने पुरियों का निर्माण कर लिया, पर देवताओं से वो पुरी जलाई नहीं। जो उन्होंने नगर बसाया था वो नगर समाप्त करते नहीं बना। और तीनों बड़े चतुर भी थे, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की बड़े चतुर थे। भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, साधना करना, उनको मालूम है कि ये भगवान शिव केवल अकेले हैं जो हमारी पुरियों को नष्ट कर सकते हैं, हमारे नगर को नष्ट कर सकते हैं।
अपना घर, अपना परिवार, अपना कुल, अपना क्षेत्र नष्ट कब होता है? जब प्रेशर को, जब हम देव अधिदेव महादेव की निंदा कर रहे हो या अपशब्द कर रहे हो। हमने कल भी एक कथा में आपको कहा था कि सब कुछ करना पर शिव की निंदा ना करना और शिव की निंदा ना सुनना, ना करना ना सुनना। ना हमें निंदा करना है ना हमें निंदा सुनना। एक माँ ने एक पत्र लिखा, कुसुम कुशवा कहीं बैठी हैं? कुसुम कुशवा, कुसुम कुशवा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, कुसुम कुशवा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। बाबा, मैं कुसुम कुशवा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूं। मेरी छोटी बहन के यहां बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ, 7 महीने का गर्भ ठहर गया। 7 महीने का गर्भ था 27/11/2023, अभी कुछ ही दिन पहले 27 तारीख को। आपकी कथा यहां 28 तारीख से प्रारंभ हो रही थी, 27 तारीख को मेरी बहन को दर्द उठा। बहुत सालों के बाद बाबा की कृपा से तो बच्चा ठहरा और 7वां महीना उसका चल रहा था। रात को 2 बजे एकदम से उसके पेट में दर्द हुआ, उसे सभी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। उसकी हालत सही नहीं थी, इस कारण हम थक हार कर एक सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको झेल नहीं रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल कमला राजा में उसको भर्ती कराया। वहां जब डॉक्टरों ने उसकी जांच करी तो पता चला कि उसके बच्चादानी फट गई है और जल्दी से ऑपरेशन करके 7 महीने का बच्चा ही गर्भ से बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टरों ने उसका इलाज प्रारंभ कर दिया, उसकी बच्चादानी को निकालना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा था और बच्चादानी भी बाहर निकाली गई और एक बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया 7 महीने का। पर गुरुजी, उस बच्चे की हालत 7वें महीने में बहुत खराब। मां और बेटे दोनों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे और बहन की अच्छी सेहत के लिए मैंने मेरे परिवार वालों से कहा कि 28 तारीख को ददरुआ धाम में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो मैं कथा में जाऊंगी और पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करूंगी कि मेरी बहन का बच्चा अच्छा रहे, क्योंकि बड़े सालों के बाद हुआ है और तो भी 7वें महीने में हो गया। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए। बाबा को विनती कर कथा पूर्ण कर जब जाने लगे तो फोन पर खबर आई कि जो बच्चा था, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था 7 महीने का, वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। जैसे मुझे ऐसी खबर लगी, मेरे साथ में मेरी पड़ोसन आई थी, उसने कहा तू क्या हो गया, तू रोने बैठ गई? कहने लगे मैं कथा सुनने आई थी और उसके बाद भी मेरी बहन के बच्चे के लिए मैंने मांगा था कि इतने साल के बाद बच्चा हुआ है तो कम से कम जिंदा रहे, पर वो 7 महीने का बच्चा मर गया। हॉस्पिटल में भर्ती है वो, मेरी बहन भी और बच्चा भी चले गए। अब करूं तो करूं क्या? उसने कहा कि अपन कथा सुनकर जा रहे हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि खाली कोई नहीं जाता, तो तुझे खाली कैसे भेज सकता? अपन यहीं पर थोड़ी सी खेत की मिट्टी उठा लेते हैं, उस मिट्टी का ढेला बना लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुएं में से पानी की बाल्टी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं। खेत की मिट्टी उठाई, रोड पे से खेत की मिट्टी उठाकर उसकी पूजन करी, बाल्टी भरकर जल चढ़ाया
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, आधे घंटे बाद खबर आई कि बच्चे की सांस चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, अब बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं, मैं बाबा को नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व ओघड़ी है शंकर, शिव ओघड़ी है, उसकी भक्ति का जो बल है वो साधारण है। खाली कैसे जाए? एक माँ ने अपना पत्र लिखा, उस पत्र में माँ ने लिखा कि मेरे पति को, नाम है मेरा उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला बघोरा उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं टीवी पर, एलईडी पर। उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ था, मैंने अपने जीवन में कई कष्ट झेले। पति की आय बहुत ज़्यादा नहीं थी, 6,000-7,000 रुपये महीना वो कमाते थे, फिर भी उसी में मैंने अपने बेटे को पढ़ाया भी और बाबा को जल चढ़ाना सिखाया भी। गुरुदेव, मेरा बेटा निशांक विश्वकर्मा कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था पर नौकरी लग नहीं रही थी। फिर किसी के कहने पर मैंने टीवी पर 2022 दिसंबर के महीने से कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव जी, बाबा सही में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, मैं उसका क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा, कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि हमारी पीढ़ियों में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी, पर मेरे बाबा ने एक लोटे जल का मंदिर में पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का फल दिया, मेरे बेटा इनकम टैक्स विभाग का ऑफिसर बन गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंभू, उसको शिव कहते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप जिस विश्वास से, कोई प्रपंच से नहीं, कोई ढोंग से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, आप अपने विश्वास से शंकर की भक्ति करिए, शिव की आराधना करिए। ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, 100-100, 50-50 रुपए, कई माताएं तो ऐसी गरीबड़ी आई होंगी जिनके पास आने जाने कभी इतना धन नहीं होगा, इतना पैसा नहीं होगा, पर मेरा विश्वास मेरे बाबा पर है और मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर, मुझे विश्वास है डॉक्टर हनुमान जी पर कि वो आपको खाली नहीं भेजेंगे, भर कर भेजेंगे। खाली नहीं जाओगे, भरोसा प्रबल। महाराज, तारकासुर के तीनों बेटों ने जान लिया शिव की भक्ति करेंगे तो हमारी ये द्वार, हमारी जो पुरियां हैं वो टूटेंगी नहीं, जलेंगी नहीं, भस्म नहीं होंगी। कई लोग आपसे कहेंगे इतने समय से जल चढ़ा रही है, इतने समय से कथा सुन रही है, कुछ मिला? उससे कहना कुछ मिले ना मिले, पर शिव कथा में मेरा दिल लगा रहता है, एक ना एक दिन मेरा महादेव मेरी सुनेगा जब। कुछ मिला ना मिला, क्या मिला क्या ना मिला उससे मतलब नहीं है। एक महिला यहां बैठी हुई है, उसका पत्र था कि रजस्वला धर्म भी नहीं आता था,
रजो धर्म भी नहीं आता था, डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती, नाश्ते की प्लेट भेजी पर नाश्ता नहीं भेजा है। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। मेरा मोबाइल नंबर यह है रवि दीपा बाथम ग्वालियर, उनका सुख नहीं हो सकता था। रजो धर्म नहीं, संतान कैसे होगी? पर वास्तव में शिव शिव है गुरु जी, शंकर शंकर है। सब ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल निकलते चले गए, हमने भी शिव जी को नहीं छोड़ा। आपकी कथा में इतना विश्वास था, शंकर जी को जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, ना रजो धर्म आता पर संतान आप दोगे। बाबा की कृपा से मुझे 7 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा है, ओ घड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर। वो देता जरूर है, क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। क्यों सुने कथा? अभी ये कथा तो ददरुआ धाम में यहाँ आज पूरी हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे, यहाँ 12 बजे पूर्ण हो जाएगी। अगली कथा 5 तारीख से जलगांव महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आप लोग देखेंगे। उसके बाद में कथा फिर वहाँ पूर्ण होने के बाद 11 तारीख को वहाँ पूर्ण होगी, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा पूर्ण होगी, 20 तारीख को 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा पंडरपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी हरि विट्ठल के चरणों में। तो ये कथाएं तो चलती रहेगी। कोई तुमसे कहे कि तू कथा सुनती है, इतना दिल लगाती है, क्या देगा बाबा, उससे कहना कथा सुनना मेरा काम है, देना और नहीं देना उसका काम है, वो जाने उसका काम जाने। बस अपने अहम से दूर रहकर हम भगवान की भक्ति करें, अहंकार को पटक दो, कहीं चूल्हे के अंदर ले जाकर, अहंकार को एक कोने में ले जाकर छोड़। तारकासुर के तीनों बेटों ने पुरियों को बचाने के लिए भगवान शिव की भक्ति करी, देवता नहीं नष्ट कर सके तीन पुरियों को। सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले बाबा इनकी पुरियों को नष्ट करना है। बाबा ने कहा वो मेरी आराधना करते, मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं। देव ऋषि नारद को भेजा तारकासुर के तीनों बेटों के पास में, तारकाक्ष विदुम माली कमलाक्ष की के पास में। नारद जी प्रतिदिन जाते उनके पास में बैठ जाते और उनसे भगवान शंकर की निंदा करवाना प्रारंभ करा। नारद जी रोज जाते, रोज कुछ ना कुछ कहते और निंदा करवाना प्रारंभ करा। याद रखो जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो वह शंकर की निंदा में लग जाता है। यह कथा तारकासुर के तीन बेटों की कह रही, ये तारकासुर के तीन बेटों की कथा कह रही, निंदा में लग। तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहां आए भगवान शंकर का गुणगान करे तो उसको बिठाओ, अगर वो आकर शंकर की निंदा कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदार शंकर जी की निंदा कर रहे हैं, शिव पुराण की निंदा कर रहे हैं, शिव भक्ति की निंदा कर रहे हैं, उस समय पर वहां से उठकर चले जाओ या हाथ जोड़ लो। तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे नातेदार हो, हमारा तुमसे संबंध है, तुम हमारी बात करो, महादेव की कोई बात नहीं करेंगे, शिव पुराण की कोई बात नहीं करेंगे, शंकर हमारा है, हम शंकर के हैं, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा, हमें कोई निंदा नहीं, हम नहीं सुन सकते। नारद जी ने तारकासुर के बेटों को निंदा करने में लगा दिया। अब तो तारकासुर के बेटे तीनों निंदा में इतने डूब गए, जितना रस लोगों को कथा में नहीं आता उससे दुगना रस चुगल चोटाई में आता। इतना रस कौन बा, बिमलाबाई की छोरी, हो जो निंदा में डूबना प्रारंभ करा, जो डूबना प्रारंभ करा, मालूम पड़े पूरी जिंदगी बेकार कर ली। ना करिए, क्या करना,
आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई कितनी भी तुम्हारी निंदा करे, कितना भी तुमसे बोले, तुम्हारे तुम रोज मंदिर जाओ और कोई कोई तुमसे कह दे ये चल दी सती सावित्री, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये चल दी रोज मंदिर, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी करके उसके सामने से निकलो, उतनी जोरदार, वो जले नहीं तो जला और जल ले जा, क्या होगा। चले तारकासुर के तीन बेटे जैसे निंदा में लगे, तीनों एकाग्रित हुए, शंकर भगवान ने तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। वर मांगा था एक बाण से तीन पुरियां भस्म होना चाहिए, एक बाण से शंकर भगवान ने तीन पुरियों को भस्म कर दिया। शिवजी का नाम त्रिपुरारी हो गया। तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को शंकर भगवान ने पशु बना दिया। शंकर भगवान उनके पति बन गए, भगवान शंकर पशु के पति बन गए, इसलिए उनका नाम पशुपति नाथ हो गया। भगाते भगाते तीनों को एक जगह इकट्ठा करा, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी को मारते, नंदी का रूप लेकर सींग से मारना चाहा, पीछे से कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। जैसे ही पशु बने भगवान शंकर का सिर कटा, सिर जाकर नेपाल में गिर गया, धड़ केदार में गिर गया। धड़ नीचे गिरा, गिरते से शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप लिया, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार कर दिया। चारों तरफ से आवाज आ गई, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। एक शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र की कथा है और एक शिव महापुराण में पशुपति व्रत की कथा। जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, अगर दिल से किसी ने पशुपति व्रत करा है तो जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, जो पशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, कृष्ण भगवान के पास था, वो पाशुपत्य अस्त्र जो असर करता है, वही की वही असर पशुपति नाथ का व्रत करता है। जो करता है उसको मिलता है, पशुपति नाथ के व्रत का वो फल मिलता है। अब पशुपति व्रत, मेरा निवेदन है, चाहे माताएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बेटियां हों, बेटे हों, दिल से कर देखो एक बार, दिल से उस व्रत का फल क्या है।